हेलो बच्चों, मैं सुनीता बेरवा नव भारती परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ यानी कि कक्षा पाँच की हिंदी का पाठ आठ, और उसका नाम है नया समाज बनाएं। बच्चों, इस कविता में कवि एक ऐसा आदर्श समाज बनाने की कल्पना करता है जिसमें जात पात का भेदभाव न हो और वो ऐसा मतलब मेहनत को ही अपना लक्ष्य बनाए और लोगों को मतलब वसुदेव कुटुंबकम की भावना का वो पालन करे, एक दूसरे को मतलब सबको अपना माने, सब एक और एक सबके लिए हो, किसी में भेदभाव ना हो, कोई जात पात के नाम पर किसी पे भेदभाव ना करे, ऐसा समाज मतलब कि वो स्वर्ग की तरह मतलब जहाँ पर सारे सुख हो, स्वर्ग की तरह वह अपने देश को बनाना चाहता है, एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें कोई भी किसी के साथ कुछ गलत ना करे, कोई भी किसी को दुख ना पहुँचाए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा पाठ या हमारी कविता। आओ नया समाज बनाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। यानी कवि कल्पना करता है कि आओ सब मिलकर, मतलब समाज का प्रत्येक व्यक्ति मेरे पास आओ, हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएंगे जो कि स्वर्ग की तरह, स्वर्ग यानी होता है जहां पर सारे सुख हो, कोई किसी के साथ बुरा ना करता हो, कोई किसी को दुख नहीं पहुंचाता हो, कोई जात पात का जिसमें भेद ना हो, कोई किसी को हानि ना पहुंचाता हो। तो कवि कहता है कि सब मेरे पास आओ, हम सब मिलकर एक नया समाज बनाएंगे। और जो ये धरती है उसको कैसे बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे, मतलब जो धरती जिस पर हमने जन्म लिया है उसे हम स्वर्ग की तरह सुंदर बना देंगे। यहाँ पर कोई भी किसी के साथ गलत नहीं करेगा और किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा। आओ नया समाज बनाए, मतलब हम ऐसा समाज बनाए जहाँ पर कोई किसी के साथ गलत ना करे। कवि कहता है जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़िया जोड़े। यानी कि जो हमारे जो देश है उसमें जो जाति पाति की भावना लोग एक दूसरे के साथ रखते हैं, यानी कि जात पात के नाम पे भेदभाव करते हैं। बच्चों, हम सभी देखते हैं जो हमारे गांव वगैरह हैं उसमें आज भी भेदभाव होता है। कई जो लोग हैं जो पिछड़े वर्ग होते हैं या जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें जाति के नाम पर कटु मतलब जो गलत शब्द बोले जाते हैं। तो कवि कहता है कि जाति पाति के बंधन को हम तोड़ दें, कि आओ हम ऐसा समाज बनाएं जिसमें जात पात के बंधन हैं जो उन्हें तोड़ दे, या जात पात के जो भेदभाव करते हैं लोग उन्हें खत्म कर दे। अपनेपन की कड़िया जोड़े, कड़ी यानी मिलाना, और जो अपनेपन यानी जात पात को सब छोड़कर, सबको भूलकर, सब अपनेपन में यानी बस अपने सब ना अपनेपन की भावना, अपनेपन की कड़ी यानी सब अपनेपन को प्यार से एक दूसरे के साथ रहे, मिलजुल कर रहे, जात पात की बातों को भूलकर सब एक साथ रहे। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जुड़े। यानी कि बच्चों, कभी कहना चाहता है कि जात पात को खत्म करके इस धरती पर यानी कि हमारे देश में जो जन्म लिया है जिस व्यक्ति ने, हर उस मानव को यानी हर व्यक्ति की मानवता से नाता जोड़े, यानी कि हर व्यक्ति में मानवता हो और वह एक दूसरे से मतलब उसके दिल में प्यार की भावना हो, किसी में बैर ना हो, कोई किसी को दुख पहुंचाने की या हानि पहुंचाने की भावना ना रखे, वह सिर्फ मतलब जाति पाति सब भूलकर उसमें सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार हो, एक दूसरे के लिए मतलब अच्छी भावना हो, किसी के साथ कोई गलत ना करे। आओ ऐसा समाज बनाते हैं जिसमें सब कुछ जाति पाति खत्म हो जाए, सब में मानवता की भावना हो, सब एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाए, और एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाए। यानी आओ ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें जात पात ना हो, सब में मानवता की भावना हो और सभी इंसान एक दूसरे के दुख और सुख में दोनों में हाथ बटाए। ऐसा ना करे कि अगर ये निम्न जाति का है तो इसके साथ हम नहीं रहेंगे, या इसके सुख दुख में हम साथ नहीं देंगे, या फिर ये उच्च जाति का है तो हम सिर्फ इसका साथ देंगे। तो बच्चों, हम कभी ऐसा समाज बनाना चाहता है जिसमें जात पात ना हो, सब में एक दूसरे की मतलब एक दूसरे में मानवता की भावना हो और सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाए, या एक दूसरे का साथ दे, सबके बुरे वक्त में वह साथ दे, अच्छे वक्त और खुशियों में भी एक दूसरे के साथ रहे। इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम शत वंदन, शत शत वंदन। मतलब कवि कहना चाहता है कि जो माटी है यानी कि जिस धरती पर हमने जन्म लिया है उसका कण कण यानी कि उसका एक एक कण जो है वो चंदन के समान है, यानी कि वो
वंदनीय है, हमें उसे प्रणाम करना चाहिए। वंदन यानी होता है प्रणाम करना, मतलब जिस धरती पर हमने जन्म लिया है उसका हर जो कण कण है, मिट्टी का एक एक कण कण है वो चंदन के समान है। बच्चों चंदन एक बहुत ही पूजनीय और अच्छा वृक्ष माना जाता है और ये बहुत महंगा होता है। तो कवि ने हमारे जो धरती की माटी के कण कण को बहुत ही मतलब पूजनीय बताया और वो चाहता है कि हम इस हमारी जो धरती है उसको 100 बार प्रणाम करें। कवि कहता है कि जो हमारा देश है उसकी माटी जो है उसमें अर्थात उसका जो एक एक कण कण है वो चंदन के समान है और पूजनीय है, और हमें इसे 100 बार हमारे जो धरती के कण कण को कण है उसे हमें 100 बार प्रणाम करना चाहिए, उसकी वंदन उसका मतलब वंदन करना चाहिए। नई रोशनी की किरणें बन आज सजाते हर घर आंगन, और मतलब हमें हर रोशनी मतलब रोशनी की किरणें बनकर हर घर के दे हर जो हमारे देश में जो हर घर है मतलब एक एक घर उसके सुखमय जीवन की या उसके सुखों की कामना करनी चाहिए और उसके अच्छे जीवन के लिए मतलब हर घर के प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए उसके सुख की कामना के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए और हमें सबके दुख सुख दुख में साथ देना चाहिए। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं, और मतलब हमें सभी लोगों को मिलजुल कर रहने की भावना से प्रेरित करना चाहिए और सभी को मिलजुल कर साथ रहने के लिए कहना चाहिए और सभी में उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए कि किसी से बैर या द्वेष ना रखे, आओ नया समाज बनाएं। और कवि कहता है कि आओ हम एक नया समाज बनाते हैं जिसमें कि जात पात का भेदभाव ना हो, सभी में मानवता की भावना हो, अतः सभी एक साथ रहे, कोई किसी के साथ गलत ना करे और सभी में मानवता की भावनाएं हो, कोई किसी का बुरा करने की ना सोचे, किसी में क्रोध द्वेष ना हो, और जो हमारा देश का जो माटी का जो कण कण है वो चंदन के वृक्ष के समान है, यानी कि जो चंदन की लकड़ी होती है वो बहुत ही महंगी होती है और चंदन के वृक्ष की लोग पूजा करते हैं। बच्चों जो चंदन का वृक्ष होता है उसमें सांप जो होते हैं ना स्नेक वो उसमें रहते हैं। तो हमारे जो मिट्टी के कण कण की तुलना कवि ने किससे की है, चंदन के वृक्ष की लकड़ी से की है। आओ नया समाज बनाएं, कवि कहता है कि आओ एक नया समाज बनाते हैं। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, और कवि ये कहता है कि श्रम यानी कि मेहनत को हम जीवन का एक ऐसा लक्ष्य बना लें कि जिससे कि हम सारे हमारे जो उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, लेकिन उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम किसी को हानि ना पहुंचाएं, हम किसी के साथ गलत ना करें, और जो मेहनत है यानी कई लोग आलस करते हैं लापरवाही करते हैं उसे छोड़ दें, मेहनत को ही हम सफलता का मतलब लक्ष्य बना सफलता की पूंजी बना लें कि जो मेहनत करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी, पर जो मेहनत है वो कभी किसी को हानि पहुंचाने में ऐसी गलत चीजों में ना करे। ऊंच नीच का भेद मिटाए, कवि कहता है कि मेहनत को अपना मतलब हम उद्देश्य या लक्ष्य बना ले और ऊंच नीच का जो भेदभाव है हम उसे खत्म कर दे, यानी कि जो भेदभाव होता है निम्न जाति या उच्च जाति के जो वर्ग होते हैं वो उच्च जाति के जो वर्ग है ना वो निम्न जाति के वर्गों के जो लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, गाँव में लोग उन्हें मतलब पानी नहीं पीने देते या जो ऊंची जाति के जो लोग होते हैं वो निम्न वर्ग को अपने कुओं पे पानी नहीं पीने देते, उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो एक स्कूल में साथ में नहीं पढ़ सकते, इस तरीके के भेदभाव को कभी खत्म करना चाहता है। वो एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करता है जिसमें मतलब मेहनत ही सफलता की कुंजी हो या वही उसका उद्देश्य हो, उद्देश्यों को हासिल करने की एक मतलब पूंजी हो, वह किसी के साथ गलत ना करे और ऊंच नीच का भाव वहां पर ना हो, सब ऊंच नीच जो जात पात के नाम पे होती है वह कभी खत्म करना चाहता है। भारत माँ के हम सपूत व नव जीवन की अलग जगाए, और कवि ये कहना चाहता है कि हम भारत माँ के सपूत यानी कि हमने भारत माता की धरती पर जन्म लिया है, हम इसके बेटे हैं, तो हम भारत माँ के सपूत हमें ना मतलब सभी लोगों में मन मतलब मानवता की भावना का प्रसार करें और हम सभी लोगों को ये बताएं या उनको समझाएं कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, हमें श्रम को ही अपनी मतलब उद्देश्यों को हासिल करने की एक पूंजी माननी चाहिए, किसी के साथ बैर या द्वेष नहीं रखना चाहिए और सबके जीवन की अलग जगानी चाहिए, यानी कि सबके जीवन में अच्छे सुख आए, किसी के साथ गलत ना करे, इसकी भावना का प्रचार हमें करना चाहिए। धरा सभी की गगन सभी का यहाँ प्रेम संदेश सुनाए, यानी कि जो हमारा देश है वो सभी का, यानी कि सभी व्यक्तियों का हमारा देश है, इस पर किसी एक का हक नहीं है, हमारा जो देश है वो सभी का है, हमारी जो धरती है वो सभी की है, गगन सभी का, हमारा जो आसमान है वो भी हम सबका है,
यही प्रेम संदेश सुनाया, और हमारी जो धरती आसमान है वो हम सबके हैं, और हमको यही प्रेम संदेश सबको सुनाना चाहिए। आओ नया समाज बनाए। कवि ऐसे समाज की कल्पना करना चाहता है, एक आदर्श समाज बनाना चाहता है जिसमें लोग किसी के साथ भेदभाव ना करे, कोई किसी के साथ बैर द्वेष ना रखे, और लोग मतलब किसी के साथ मतलब सभी के जीवन को सिर्फ अपना स्वार्थ ना रखे, मतलब सभी के जीवन में अच्छी अच्छी मतलब सुखों के लिए, उसके भविष्य के लिए भगवान मतलब भगवान से कामना करे, और जब कोई गलत करता है तो उसे समझाए, या अपने देश के लिए अपने देश की बताए उसे कि हमारी जो धरती आसमान है, हमारी जो धरती है, हमने इस पे जन्म लिया है, हमारी ये माँ के समान है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, और हमारे देश को स्वर्ग के समान सुंदर बनाना चाहिए। स्वर्ग के समान मतलब उसमें कोई किसी के साथ गलत ना करे, सब में सुख दुख बांटने की क्षमता हो, कोई किसी के साथ गलत ना करे, और सभी अपने सुखों को और दुखों को एक साथ बांटे और भाईचारे के साथ रहे। वसुदेव कुटुंबकम का की जो धारणा है उसका पालन करे, कोई किसी के साथ मतलब सभी को अपना कुटुंब माने, और सब एक के लिए सब, यानी कि जो हम हैं वो किसी के बिना सबके बिना अधूरे हैं, यानी कि अगर हम अकेले हैं तो हम किसी सबके बिना अधूरे हैं, हम जब पूरे होंगे जब सब एक साथ मिलकर रहेंगे, हमारे देश में सब है ना जो भेदभाव है वो खत्म हो जाएंगे, जो जातिवाद है जिसके नाम पर लोग आजकल किस सबके साथ गलत करते हैं, या जो निम्न वर्ग के लोगों के साथ जो गलत हो रहा है वो खत्म हो जाए, तो हमारा ऐसा समाज हो जाएगा जो कि स्वर्ग के समान सुंदर होगा। तो बच्चों आज हमने पढ़ा पाठ आओ समाज बनाए, एक सुंदर यानी कि स्वर्ग के समान सुंदर समाज बनाए। बच्चों अब हम पढ़ेंगे इसके शब्दार्थ। शब्द अर्थ, स्वर्ग एक विश्वास जिसके अनुसार मृत्यु के बाद अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाला स्थान जहां सब प्रकार के सुख मिलते हैं। कड़िया जोड़ना यानी कि मेल करना, हाथ बटाना सहायता करना, अलग जगाना नए विचारों का प्रसार करना, गगन आकाश, धरा और धरती। तो बच्चों आज हमने पढ़ा पाठ आओ नया समाज बनाए। तो बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।